सहारा समूह के 5 लाख निवेशक रिफंड के लिए दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। बड़ी रिपोर्ट जो दोस्तों आपके लिए लेकर आए सहारा समूह की है, बड़ी अपडेट छतरपुर से है। सहारा समूह के 5 लाख निवेशक दिसंबर में राष्ट्रीय राजधानी में एक विशाल विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं, ताकि केंद्र सरकार पर वर्षों से निवेश किए गए पैसों की वापसी की मांग करने के लिए दावा डाल सके। 14 नवंबर को समूह के संस्थापक सुब्रत राय की मृत्यु के साथ देश भर में 27 राज्यों में फैले निवेशकों में असुरक्षा और तत्कालीनता की भावना बढ़ गई है। जुलाई में केंद्र सरकार द्वारा रिफंड की सुविधा के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल के साथ अभी भी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है और अधिकारियों के खिलाफ दावों को तुच्छ आधार पर खारिज कर दिया जा रहा है। लाखों निवेशकों में घबराहट है, जिन्हें डर है कि उनका पैसा स्थानांतरित कर दिया जाएगा, यानी कि लावारिस निधियों के नाम भारत निधि में ये पैसा चला जाएगा, यानी कि ये गवर्नमेंट के पास पैसा चला जाएगा। निवेशकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जिला छतरपुर की MP महिला प्रदेश अध्यक्ष शहनाज जहां ने बताया कि अगर सरकार सहारा अध्यक्ष को संपत्ति जब्त कर लेती है तो करोड़ों निवेशकों का पैसा डूब जाएगा, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसी को लेकर छतरपुर में जिला अध्यक्ष मोहित पाटकर, छतरपुर उपाध्यक्ष बलवीर कौर, मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता और तमाम क्रांतिकारियों साथियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी साथियों से 27 दिसंबर को दिल्ली आंदोलन डेरा डालो के संदर्भ में चर्चा की और अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचने की बात कही। सभी ने आर्थिक, यानी कि सभी को आर्थिक सहयोग देने की भी बात कही। यहाँ पर दिल्ली 27 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर डाला जाएगा, यानी कि एक बड़ा आंदोलन का डेरा यहाँ पर डाला जाएगा, जिसके संदर्भ में सभी निवेशकों से आह्वान किया गया है कि वो वहाँ पर आकर धरने को भव्य रूप दें, ताकि सरकार पर इसका दबाव बन सके और सरकार इस ओर ध्यान दे सके। तो दोस्तों, ये थी सहारा से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।